कुछ रिश्तों की चमक नहीं जाती, कुछ यादों की कसक नहीं जाती, कुछ जगहों से होता है ऐसा रिश्ता कि दूर रहकर भी उनकी महक नहीं जाती। जिस गली ने हमें ठुकराया था, आए हैं उसी गली वापस। बैक इन एचएसएन आफ्टर 5 years, बट व्हाई? खैर, मेरे साथ यार ये हुआ था कि आई केम हेयर इन 2015 और 16 का आर्ट्स फेस्ट, और आई वाज हेयर एज अ फोटोग्राफी पार्टिसिपेंट, और मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला था। फेवरेटिज्म का सीन गेम फुल ऑन थी। जब इवेंट ख़त्म हुआ, द फोटोग्राफी हेड केम टू मी बताने के लिए कि ब्रो यू डिजर्व्ड इट, आपका अवार्ड था, बट वी हैड, हमें करना पड़ता है, हमारा ससुराल है। क्या उसके बाद फिर ना ये दिल है ना, दिल नहीं मानता था कि ऐसी जगह पर हम फिर आए। जब ये बैज मिलता ना तो फिर आना पड़ता है। तो आई एम हेयर अगेन आफ्टर 5 years, तो देखते हैं इस बार कैसी। जी नाज़रीन, हम मेडिसिन कॉलेज लाहौर आए हैं और इनका ये एक्ट फेस्ट हो रहा है। देखिए, मुझे 5-6 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कोई तैयारी चल रही थी इनकी। तो बस सारे लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन। भजन, आपका इंटरव्यू, हमारा ये न्यूज़ चैनल आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम QDVS वजीराबाद। इधर कैसे आना होगा आपको? ये बच्चों का कंपटीशन है, उनको साथ लेते हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है? ये ठीक है, पहली बार आ रहे हैं लाहौर? नहीं नहीं, काफ़ी दफ़ा है। तो लाहौर से आपको कोई खास मोहब्बत है? लाहौर से तो मोहब्बत होनी होनी है ना। सर वॉशरूम की तरह यार, आप छोटा सा इंटरव्यू देना चाहेंगे हमारे? पूछो पूछो। अब हारमोनियम बजाते थे? अब हार कहाँ जाते थे? अबे साले, जिंदगी में ना हर काम करना है, लेकिन एक चीज जिस चीज की कसम खाई है कि टिकटॉक नहीं बनाना, हम नहीं बना रहे। लेकिन आज ये टिकटॉक बना रहे हो आप? हाँ जी, थोड़ी सी गलती हो गई है, टिकटॉक मांग गया। मैं हम लोग एचएन कॉलेज में हम लोग प्रैंक्स कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल माय फार्म का मजाक करना यार, बहुत टाइम। अच्छा यार, ये तो आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाओ। स्पेशल एडवर्टाइजमेंट थी राइजिंग सन की। अच्छा जी, जब आप सुमो, आप तो महंगे लोग हैं, अमीर लोग हैं, आप लोग जब जाते हैं सुमो वगैरह, इसको क्या कहते हैं? इस चीज़ को चिकन के सी, चिकन हाथ कहते हैं? मैंने देखा, इसको क्या कहते हैं? इसको चिकन के, इस चीज़ को क्या कहते हैं? विंग। धोखे क्या कहते हैं? विंग्स, वही मुझे याद है। आप कर लो मेरा, आप ऐसे करो ऐसे। नहीं नहीं सही था, ये रिंगो तो आ दो, ठीक है। Yes. This is being censored, please. क्या क्या कहते थे उसको? Wing. एक को? Wing. अच्छा, अब तेज़ से बोलो, तेज़ से. Wing, wing, wing. तेज़ से. भाई? नहीं भाई नहीं बोलना, भाई होगा तुम्हारे बाप का बेटा. Wing, 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 wing. Hello. जी. तो यार, वी आर हेयर फॉर फोटोग्राफी, और हमें पता है कि हमने जीतना है। तो यार, लेकिन मेहनत इज वेरी जरूरी फॉर विनिंग, बिकॉज मेहनत में ही तो मशक्कत है। एंड बॉयज आर डाउन, शॉट आएगी। आई थिंक वी आर डाउन, आई थिंक वी आर डाउन। वॉशरूम जाने, वॉशरूम यहीं पे कर दो। Bro, I think life is too short for dukh. You can take it now and enjoy your life. You want it? और वीडियो मेरा क्लोजअप क्यों डाल देते? अच्छा सर, वी आर बैक स्टेज और अभी HSN फेस्ट पे है, और अभी आज म्यूजिकल वर्कशॉप है, और उमर मुख्तार इज हियर ब्रो। आओ पूछते हैं, व्हाट इज ही डूइंग हियर मैन? बातें छोटी मोटी बातें पर अपने रात करेंगे पूरे सारे, प्यार पर उसका न जाने कहां, ढूंढे वो दुनिया में ढूंढे वहां, मिलना था उनने था तो लिखा, ये सब ने सुना था, ये सब ने कहा। ओ वी हैव मिस्टर उमर मुख्तार विद अस, आप क्या कह रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं जी। मैं आज परफॉर्म करूंगा यहाँ स्टेज पे। खाओ अल्लाह की कसम जी, कसम से अल्लाह की कसम नहीं खाते, बट कसम। अच्छा, से। अच्छा, तो क्या सीन है, क्या परफॉर्म कर रहे हो? बड़ी मज़ेदार सी परफॉर्मेंस होने वाली है अभी, और परफॉर्मेंस मिक्स वर्कशॉप है, तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। अभी इस तरह की परफॉर्मेंस आपने कभी देखी नहीं होगी,
बट लेकिन आज आप देख लेंगे और लेट्स होप आपको मजा आ जाए। ओके यार, क्या आप उमर मुख्तार के मैनेजर? हाँ यार, लाइक पहले उमर मेरा मैनेजर था, फिर मैं उसका मैनेजर बन गया। Scary boys are also here today. मैं हमेशा आता हूँ इत्सन, और हमेशा शौक से आता हूँ। मेरी माँ मुझे बुलाती है, मैं घर नहीं जाता, लेकिन इत्सन जरूर आता हूँ। प्यार है मुझे इस जगह। मैंने आज के लिए 3-4 लाइनें लिखी थी। स्कूलों में है मेरे फैन, वापस आया स्कूल, आज डल जाएगा येन। एचएसएन के बच्चों में मैं हो जाऊंगा बहन, आगे नहीं मैं बोल रहा। सही है, सही है, सही है। थैंक यू यार, बेस्ट ऑफ लक बॉयज। क्या नाम है आपका? यजान यार। तो क्या सीन है यार? यार सीन ये है कि तैयब के व्लॉग्स में देखता हूँ, काफ़ी कुछ बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी बहुत अजीब होते हैं, बट खैर है, तैयब नवीद है सोसाइटी में, एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। चलो यार, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी यार। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, ये बड़े साइज में क्या आप नहीं है? हम भी फैन हैं आपके। तैयब भाई मतलब जिनके व्लॉग्स हैं ना, दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, ठीक है? जो इनका कॉन्टेंट है, लाइक हिज फिल्मेटोग्राफी एंड एवरी थिंग, मतलब मैं फ़ैन उनका, आप भी होंगे मोस्ट प्रॉबली, ठीक है? तो मतलब यार, ये हमारे फेज 5 के ब्लॉगर हैं बहुत बड़े, ठीक है? आज एचएसएन आए हैं और आई होप ही इज एंजॉयिंग ओवर हियर। एचएसएन में तो पहले भी आना हुआ है, बट द लव आई गॉट दिस टाइम आई कॉन्ट पुट इट इन टू वर्ड्स। खैर, मैं तो इमोशनल हो गया व्हाइल एडिटिंग दिस वीडियो, व्हेन आई रियलाइज्ड के ए लेवल्स का ये मेरा लास्ट इवेंट था। But I'm not the only one who feels this way. यार किसको आपको मिस करेंगे, हम खुद को मिस करेंगे जो हम बन जाते हैं 2-3 दिनों में, इस माहौल को मिस करेंगे, स्कूल को मिस करेंगे, ये हमारा इवेंट है। इसके बाद हम एग्जाम्स वगैरह आ जाएंगे, तो अब हमने पढ़ना शुरू कर देना है, तो हम इस सारे जो पार्टी हमें 3 दिन को करने को मिली है, इसको हम मिस करेंगे। और मैं भी मिस करूँगा, मैं भी इसे मिस करूँगा यार। इसी अपने सारे बॉयज़ को अपना बैच आखिरी बार इकट्ठा हो रहे हैं, और उसके अलावा 3 दिन होते हैं साल में जो हम लोग इन्जॉय करते हैं, उसके अलावा वैसे ही स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो बस यही मिस करेंगे, स्कूल डेज ही होते हैं याद करने वाले। क्या और आर्ट फेस्ट के बारे में, सबसे पहले हम माहौल मिस करेंगे, उसके बाद निकालो पहले यार, उसके बाद हम अपने यारों को मिस करेंगे। मैं फिर कुछ बोलूं? ये 3 दिन है पार्टी के, ये मिस करेंगे, और इसके साथ साथ यार ये आखिरी दिन है, हमारा आखिरी इवेंट है, हमने जो इकट्ठा नचे हैं वो मिस करेंगे। ये गले आपके सामने बंद है यार। One thing that me and the batch of 20 will miss about ArtFest is the hype that it created in Lahore and Pakistan. The amount of delegates are attracted, the friendships that are made, the bonds that are created within these very four corners creates it. Is the one thing that I, and I'm speaking on perhaps of my batch. मैं ऐसी कोई धुन, चुपके से कोई भी सरगोशी हो, जागूं तो फिर भी खामोशी हो, ना होगा कोई पास, एक होगी आस, याद आएंगी वो बात, थामो जो कोई हाथ। कहा था ना स्लो आएंगे लेकिन ऊपर से आएंगे, लो आ गए। याद आऊंगा जब दिल से तुम मुस्कुराओगे, जो याद आऊं तो